खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ऐसे साल भी आए हैं जहाँ मुझे ऐसा लगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, हमने डाउन साइज किया है, और कुछ ऐसे साल आए ऐसा लगा कि अब तो कोई हमें रोक नहीं सकता। तो आई थिंक अच्छे वक्त, माई फादर सेज दिस टू मी, दिस टू शाल पास। तो जब बहुत सक्सेस आ रहा है तो ही रिमेंबर दिस विल पास, और जब बहुत फेलियर आ रहा है तो ही रिमेंबर दिस टू शाल पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम जी। सुमित जी, वेयर इज ही जी? जैसे कि ऑडियंस, ये जो ट्रेलर हमने देखा बहुत ही अच्छा था और लोगों को पसंद भी आया, आपने देखा, और हर जर्नलिस्ट, कैमरामैन, फोटोग्राफर सब ने क्लैप किया इस ट्रेलर के लिए। और ऑडियंस होती है जो फिल्म को डिसाइड करती है, और इसके पहले जो आपकी फिल्म आई, कुछ ऑडियंसेस ने उसको जज किया और कुछ ने मेंटल कहा उसे, क्या कहेंगे इस बारे में? ऑडियंस की राय है, क्या कर सकते हैं, मेरा काम है काम करना, आपका काम है जज करना। आई विल नॉट स्टॉप डूइंग माई जॉब एंड आई एम ओके फॉर क्रिटिसिज्म। Good afternoon. Thank you, Nitin ji. Sir, pleasure. Nusrat, in addition to being looking stunning, आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं, and उस bracket में भी हैं revenue generation के, जो कि एक landmark माना जाता है। आपकी चार पांच फिल्में भी आ रही हैं, अब आने वाली हैं। आपको कभी ऐसा लगता था कि आप एक ऐसे प्रोडक्शन के साथ फिल्म करेंगे जिसका 25वां साल होगा, एक ऐसे अभिनेता के साथ जिसके राष्ट्रीय पुरस्कार, रुक जाइए मैम, अभी राष्ट्रीय पुरस्कार, ऐसे अभिनेता के साथ में जिसका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा होगा, एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म होगी और इतनी अच्छी होगी, एक नए प्रोड्यूसर्स होंगे, अभिषेक होगा, राज होगा, नवजोत, सुमित सवाल पूछेंगे आपसे, आपको कभी ऐसा लगा था? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। पर लगी थी ऐसी फीलिंग कभी? तो फर्स्ट से स्टार्ट करूं? जी जी। आई स्टार्टेड माय जर्नी विद एकता, शी प्रोड्यूस्ड एलएसडी, एंड उस वक्त वी स्टार्टेड आवर जर्नीज टुगेदर, बिकॉज ऑल्ट, द मूवी कंपनी ऑल्ट स्टार्टेड विद एलएसडी, एंड आई थिंक सो डिड नुसरत। यस आई डिड। एंड उस वक्त नहीं सोचा था मैंने दैट आई विल बी वर्किंग विद एकता कपूर, सो यू कैन इमेजिन व्हेन आई डिडंट थिंक ऑफ इट देन इट वाज डेफिनेटली अ थॉट कि ये कैसे होगा, बट इट हैपेंड, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक एंड वर्किंग विद एकता अगेन आफ्टर ऑल दीज इयर्स। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सेड येस, लेट्स थ्रो दिस मैन ऑफ स्टेज, वाज द फैक्ट दैट एकता वाज डूइंग दिस। सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड विद हिम, एवरी सिंगल टाइम आई हैव मेट आयुष्मान, he has always been this very sweet, humble person, and then I see him do that on screen and I'm like, how? Like, he just transforms from every film and every character to somebody else. And you're right, somebody said ke pehle mil jana chahiye tha. I agree with that. And I remember I was sitting in an award function with him and I said, how are you not winning this award? I'm not going to name that award function, but I told him, I said, why are you not winning an award? So I'm just glad that it's happened, and he said this, that he's happier that they're baby steps and not like a, you know, chalang. And that's actually true. If you're an actor and you take baby steps, you're able to understand what you're doing right and wrong better. So the fact that he's at this gradual rise like that, I think is amazing. So that's that. I'm really, really happy to be a part of this film for with him also. Now Raj. I think when I started, even PKP was a first-time director.
ड्रीम गर्ल फर्स्ट टाइम डायरेक्टर माय थर्ड फिल्म हुरदंग इज आल्सो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आई डोंट थिंक इट मैटर्स लाइक हाउ एकता सेड दैट इट डजंट मैटर व्हेन आयुष्मान व्हेन यू वेंट थॉट ऑफ आयुष्मान के ही विल थिंक ऑफ हु द डायरेक्टर इज आई डोंट थिंक आई हैव एवर थॉट ऑफ दैट आई थिंक व्हेन आई मीट समबडी एंड आई कैन वाइब विद देम क्रिएटिवली एंड वी आर एट द सेम प्लेन एंड मुझे स्टोरी स्क्रिप्ट और सब समझ आता है देन आई ट्रस्ट हिम विथ हिज विजन एंड आई लेट हिम डू वट ही इज डूइंग एंड आई नो वील गेट देयर एंड वेल इट्स प्रूवन राइट आई थिंक ऑल माई डिसीजन सो फार हैव कम प्रीटी वेल एंड आई एम ओके सो सुमित I think I'm good. Very intelligent. Thank you so much, sir. Shukriya. Ekta, 25 साल आपके बाराजी के कैसे देखती हैं 25 सालों में क्या बदलाव आया विजन में और आपके अपने आप में? See, I was only 5 when I started. So at the age of 30, I have learned. I'm not going to tell you my age. I was hating putting that out that day that I'm that 25 years of Balaji because people would pre-calculate my age. But I've learned one thing: there is no formula to success. There is only one way to move forward, and that is conviction. Although in real life I have a very weak gut, at work I keep a. I always believe take a brave step forward and trust your gut. Everything else will follow. That's it. And 25 years, I've done just that. Nitin, ek minute. हाँ, please. आयुष्मान, आपको लेके लोग हमेशा ही मतलब इंडस्ट्री में भी और वैसे भी लोग असमंजस में रहते थे. पता नहीं भाई क्या करेगा ये. अब आपको ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी. हाँ, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था जब ये पिक्चर ऑफर हुई थी. ड्रीम गर्ल एंड मैं. आउटस्टैंडिंग. आई एम लाइक दिस इज इट. दिस इज द फिल्म आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट. And then I read the script. And I said, Raj, who's the director, I said, aap galat kar rahe ho kuch. Ek second. Dream girl hai. Dream boy nahi hai. Are you not understanding this? But you have to expect Ayushman to do this. And I am absolutely thrilled and supremely happy to say that he is the hero and the heroine of this film. Yay! Yay! So where is Pooja? I need to know where Pooja is. Is Pooja going to come here? एक साड़ी में मैंने लुक किया था और एक साड़ी में ये है. मैं इतना डाइट क्यों करती हूँ आयुष्मान? लाइक व्हाई? यहाँ पे साड़ी के साथ दाढ़ी भी है. बात ये है, सिर्फ साड़ी होती तो बात अलग थी, दाढ़ी साथ में, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा मुझे. वाह, वेलकम. नहीं, यहाँ पे दाढ़ी है अभी. जी, आई विल टेक दिस. ऑलराइट, सो पूजा इज हियर. अब बताओ, अब बजाओ. सीटियां कौन बजा रहे थे? वो पूजा को देख देख के. हाँ, सीटियां, तालियां. हैं पूजा, आई लव यू. चालू था ना इन लोग का. लव यू टू. कौन से आवाज आई? ऑलराइट, सो इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज द पीपल बिहाइंड द ड्रीम गर्ल एंड पूजा एंड ऑफ कोर्स द एंटायर कमाल की कास्ट एंड क्रू. गिव इट अप फॉर एकता कपूर एंड द डायरेक्टर राज शांडिल्य. कम ऑन, मेक सम नॉइज. And national award is part of the bucket list of every actor. जब मुंबई आते हैं, आप सोचते हैं कि अब राष्ट्रीय पुरस्कार से कब सम्मानित किया जाएगा. लेकिन जब आप नहीं सोच रहे होते तभी आपको मिल जाता है. मुझे पहली फिल्म से यकीन था कि शायद विकी डोनर मिल जाए. वो वहाँ पे अनु कपूर को मिल गया. वो भी हमारी फिल्म है अभी. लेकिन ऑफकोर्स विद अंधाधुन यू डोंट, आफ्टर दैट यू डोंट डू फिल्म विद दैट एजेंडा कि आपको अवार्ड्स के लिए फिल्म करनी है. आप बस
ऑनेस्टली ईमानदारी से फिल्म करते हैं और आपको मिल जाता है. So yeah, I'm blessed that I have been working with great directors. The kind of scripts you choose, you know, वो बड़ी हटके होती हैं. वो scripts आती हैं या आप जाते हो वो नहीं पता. लेकिन इस आवाज़ में, उस आवाज़ में, इस रूप में, उस रूप में, you've been, you know, killing it. What do you have to say इस मेहनत के बारे में? मुझे लगता है वो दोनों एक जगह आके मिल जाते हैं. मैं कभी script के पास जाता हूँ, कभी script मेरे पास आती है. एंड जब मैंने ये वाली script पढ़ी थी, सुनी थी, तो मुझे रहा नहीं जा रहा था कि मैं नेक्स्ट डे कॉल कर दूँ कि किसी और के पास स्क्रिप्ट ना चला जाए, चली जाए. तो मैं रुचिका को कॉल किया था मैंने. And I was like, yeah, this is a blockbuster. I want to do this. क्योंकि मैंने बोला ये मेरे लिए काफ़ी कमर्शियल है. तो कहती that's not a bad thing, of course. Of course, I'll want to just tread in the different territory altogether. Right, right. And this is right up there. So was really excited. And Raj की narration कमाल की थी. He's too good, yeah. Hai na, congratulations. No, he cons it. His narrations are cons, let me tell you. Achha. He had narrated it completely differently. And I'm like, second script, do to zara, do to. Then I'm like, what? So aap hi se pooch leta hu main, who was the bigger diva on the set, like you or him slash her? Come on, I think I'm going to break myths. We can break don't myths, slash me. Right? We girls are not divas, I'm telling you that very clearly. He was definitely the diva on set because his lehenga, his sari, his makeup, his hair, his nathni, like you can see in the film, took so much time that he came on set and he said, how do you girls do it for 2 hours? And I said, that is normal for us. Now you're realizing how difficult it is. And didn't you have to wear heels? No, we saved that little bit. And he actually asked me, he said, ye ghagre mein ise lachak ke saath kaise chalte ho? To maine kaha, aa jao, tutorials karte hain. To of course, gaane se pehle se chalna tha, to phir unhone sikhaya mujhe. Sab sikhaya. Nusrat ne. But yeah, yaar, bahut mehnat lagti hai. I think ladkiyan jo hoti hain, they are far better sex than, far better gender than males for sure. Main manta hu. Itni mehnat to yaar, 2-3 ghante, 3 ladkiyan taiyar karne mein lagti thi mujhe to. Saadi pehenna aasan nahi hai. राइट right. बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है. और जो आपने लटके झटके मारे वो भी आसान नहीं है यार, लोगों के दिल हिल रहे हैं यहाँ पे. एकता जी, दिस वंस फॉर यू, प्लीज टेल अस, यू नो, फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू डन दैट, कि फिल्म्स अलग हों, हटके हों, और द प्रमोशन का तरीका हटके हो. यू मास्टर्ड द आर्ट, राइट? नहीं, मैं कुछ और बात नहीं. Thank God I wasn't there. Okay, so please tell us ki isme what made you think ki bhaiya Ayushmaan hi hai meri dream girl. Honestly, Ayushmaan nahi hai meri dream girl. but Ayushmaan, when we heard the script, I heard it from Raj, and of course I was on the floor, and Ruchika and I had this conversation. Who? I said, you know, you need only one actor. I think you can do this kind of voice modulation. Yes. Who will work that hard? And I didn't even know Ayushmaan well. Both of us have not even, like, we had not even met. We met one very weird way earlier. And I'm not going to discuss that. But I was so sure. I told her, just do me a favor. That man bets on scripts. I said, he will not see how big the director is, uska resume kya hai, usne kitni 50 filmen ki hai, wo script padega. She said, are you sure? I said, I'm telling you. And he will find in himself the ability, and it takes a lot to be a woman. Really, really talented man. And we are ready for another blockbuster with this dream girl, ladies and gentlemen. Aur jinke sapno mein aayi hogi sabse zyada pehli baar aur baar baar lagatar, Raj Chandelier, zordar taaliyan for this dhammakedar debut. Raj bhai, please tell us kitni baar aapne un dinon mein, in dinon mein logon ko phone lagaye hain, aise raat ko mujhse baat karogi? How many times have you done this? नहीं, मैंने लगाया, मुझे आए लोगों के फोन. हाँ, बहुत फोन आते हैं मुझे. हाँ, लोग, मैं भी बात करता हूँ लोगों से, और कई दफा मैंने देखा भी है लोग लड़की के बाद में बात करके लोग बेवकूफ बनाते हैं बहुत. मैंने नहीं किया हालांकि वो सब चीजें, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा देखा है. और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहली दफा कर रहे हैं इस किस्म का, लेकिन लोगों में होता है. आप फेसबुक ट्विटर अगर पे जाके देखें, लोग चैट करते हैं एंजल प्रिया बन के, एंजल पूजा बन के कर लेते हैं. तो वो पूजा और प्रिया यही है, बट विजुअली जो आपको नजर आएगी फिल्म में. तो ऐसा है कि इनके लिए तो हम लोग फिल्म लिख रहे थे, हमारी पूरी कोर टीम के लिए तालियां बजा दें आप लोग, निर्माण, निकेत, संकेत, ऑफकोर्स अक्षत एंड एवरीबडी. तो पहली बार जब हमने ये जब लिखा, तो जहन में सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान खुराना ही थे, कि इनके साथ ही करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, और अब कर ली. तो दैट्स द थिंग. एंजल प्रिया मैंने कुछ नहीं बनाया इंस्टाग्राम पे कहीं पर. मैंने तो आपको नया नाम दिया, आयुषी. मैं न्यू आयुषी सर, मत करो.
तो ऑफ कोर्स यू नो वी हैड अ ग्रेट टाइम और बहुत अच्छी तरीके से हम आयुष्मान नुसरत और बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई होप यू विल लव इट. सो वाज इट लाइक डिफिकल्ट कन्विंसिंग एकता जी एंड टीम फॉर द मूवी और वाज इट लाइक नहीं यार ये तो करना ही है और कर ही डालते हैं. सी मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इतने 25 साल से इंडस्ट्री में हैं और एक बार बालाजी टेलीफिल्म्स के 25 साल हुए हैं उसके जोरदार तालियां बजा दें एक बार आप लोग. और मुझे हमेशा से ये लगता था कि बालाजी के साथ एक ऐसी फिल्म क्योंकि बालाजी के मैं सीरियल्स देखता आया था तो उसमें सिर्फ आंसू ही आंसू नजर आए थे मुझे. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एक ऐसी प्रोड्यूसर को मैं एक फिल्म सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने शायद कभी हंसी वसी वाली से अपने और बालाजी देखा है. हाय हाय. तो हमेशा मैं जब उनको सुनाने गया तो हमेशा से मुझे ये था कि रुचिका को जब मैंने पहली दफा ये बताया कॉन्सेप्ट और उसके बाद उन्होंने कहा कि एकता जी के साथ नरेशन है आपकी. मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं. और एकता जी की इमेज मेरे जहन में ऐसी थी कि तलवार लेके आएंगे अभी और बोलेंगे हाँ बताओ क्या है बोलो. लेकिन नहीं मैं जितने भी प्रोड्यूसर से मिला हूँ उसमें सबसे ज्यादा स्वीट हम्बल और नए टैलेंट को यू नो आगे बढ़ाने वाली एकता कपूर है. तो इनके लिए जोरदार तालियां. और उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और इमीडिएटली उन्होंने बोला कि यस आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म. One very important part about this film is that it's not about sexual calling. Yes. Yeah. It's about making other people feel good. We live in a world. हम जिस दुनिया में रहते हैं रोज लोग हमें नीचा दिखाते हैं चाहे काम पे हो बॉस हो कभी कभी वाइफ हो कभी कभी हस्बैंड हो. योर फैमिली विदाउट नोइंग गैस लाइट्स यू सो मच एंड यू योर सेल्फ लूज योर सेल्फ. And sometimes just telling your problem to a stranger or hearing that, you know, you are so sweet, why don't you take a minute and relax, can make so much of a difference to any sex. Great. Wow. Sir, any special comments hamare ye dream girl ke upar kuch? Sir, kabhi kabhi lagta hai do peg la ke main hi phone kar dun. Kamaal lagti hai, matlab zabardast. Thoda thoda abhi to ye daadi badi hai. Jab ekdam chikna dekhoge na aap kharcha kar daloge. कमाल आवाज के साथ इनको ऐसे देखना कमाल.